हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर क्लास 10 से चैप्टर लिया है हमने सिमिलर ट्रायंगल। चलिए, क्वेश्चन बड़ा आसान सा ही लग रहा है, स्टार्ट करते हैं। फिगर गिवन है अपने को, डी ई सी राइट ट्रायंगल दिया है, ए बी सी राइट ट्रायंगल दिया है, डी सी का वैल्यू 13 दिया है, ए सी का वैल्यू 5 दिया है, ए बी का वैल्यू 4 दिया है, सब सेंटीमीटर में ही है, डी ई का वैल्यू 12 दिया है। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई। अब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान है, बस एक लॉजिक समझा देता हूं, बस लॉजिक देख लो जरा। अब सबसे पहले जरा बड़ा ट्रायंगल, बड़ा राइट ट्रायंगल बोलू तो डी ई सी चेक करो, क्या हाइपोटेन्यूज डी सी है, क्या परपेंडिकुलर डी ई है, तो क्या अपने पास बेस ई सी आ सकता है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल आ सकता है, तो मैंने लिया ट्रायंगल डी ई सी। तो इन राइट ट्रायंगल डी ई सी और मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो कह सकते हैं कि डीसी का होल स्क्वायर भाई डीसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डीई का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर। अब चेक करो कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू की बार है, और ध्यान रखिएगा इसके आगे लिख दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो डीसी 13 पता है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू डीई 12 पता है, तो 12 का स्क्वायर, और EC नहीं पता तो EC को EC रहने दीजिए। तो ये हो गया 169, ये 144 हो गया, माइनस में लाइए इधर, तो माइनस का 144 इज इक्वल टू EC स्क्वायर, ये कितना हो गया आपके पास 25 इज इक्वल टू EC स्क्वायर, और यहां से EC का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो EC इज इक्वल टू √25 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो EC का फुल वैल्यू आ गया, ये 5 सेंटीमीटर आ चुका है। आगे देखो जरा, अगला राइट ट्रायंगल देखो ए बी और सी। इसमें भी देखो आपको हाइपोटेन्यूज पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, तो चलो बीसी बेस निकाल लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। फिर से पाइथागोरस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिखना है, यहां पर जो जो वैल्यूज गिवन है डालिए, AC का वैल्यू 5 गिवन है तो 5 का स्क्वायर, AB गिवन है 4 तो 4 का स्क्वायर, BC अपने को चाहिए, चलिए वो गिवन भी नहीं है वैसे, तो 25 लाइए इसको इस तरफ, माइनस का 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, नाउ व्हाट इज 25 माइनस 16 इज 9, तो 9 इज इक्वल टू BC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √9, और BC का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 3 सेंटीमीटर। चलिए तो BC का वैल्यू 3 सेंटीमीटर लिख देता हूं मैं। अब जरा ध्यान से देखो, पूरा ईसी दिया है 5, जिसमें से बीसी है 3 अभी निकाला, तो कितना बचा ईबी, ईबी बचा 2 सेंटीमीटर। तो चलो बात करते हैं अब जरा ट्रायंगल ए बी ई की। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी ई, अब जितनों को लग रहा होगा सर राइट ट्रायंगल तो दिया नहीं है, तो भाई इधर 90 है ना, तो गारंटेड है इधर भी 90 ही होगा, तो ये भी राइट ट्रायंगल है। अब ये राइट ट्रायंगल है तो सोचो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज ही तो चाहिए, वही हमारा आंसर है जो हमें AE निकालना है। तो AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर। फिर से भाई पाइथागोरस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट, डाली सारी वैल्यूज, तो AE तो आंसर में ही चाहिए, तो AB हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर, EB का स्क्वायर, तो EB मेरे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास इधर, देखो ना EB अभी हमने 2 निकाला था, ये कितना आ गया, तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4, तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो ए ई का वैल्यू कितना आया √20। अब रूट को स्प्लिट कैसे किया जाता है, फैक्टर निकालो उसके जरा, तो ये आएगा 2 × 2 × 5, रूट के अंदर जिस जिसका पेयर हो उसे सिंगल टाइम बाहर कर लो, और जिसका पेयर नहीं है उसे रूट के अंदर रहने दो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ई जो हमें फाइंड करनी है, उसका वैल्यू आया 2√5 सेंटीमीटर। मतलब आपको 3 राइट ट्रायंगल चूज करने थे जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, आ गया अपना आंसर। ट्रिकी सा छोटा सा क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर सिमिलर ट्रायंगल की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं हैंड स्क्रीन में डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।